क्या आप जानते हैं दुनिया के उन खतरनाक जानवरों के बारे में जो अब विलुप्त हो चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन खतरनाक विलुप्त जानवरों के बारे में जो कभी धरती के सबसे बड़े शिकारी हुआ करते थे। जानिए कैसे ये जानवर अपने समय के सबसे खतरनाक जीव थे और क्या कारण था उनके विलुप्त होने का। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए दुनिया के 8 सबसे खतरनाक विलुप्त जानवरों की कहानी, जिनके बारे में जानकर आप रह जाएंगे दंग। नंबर 1, टायरानोसोरस रेक्स। दोस्तों, टायरानोसोरस रेक्स लगभग 40 फीट 12 मीटर लंबा और 3.7 मीटर ऊंचा था। इसका वजन लगभग 9 टन तक हो सकता था। टायरानोसोरस रेक्स लगभग 68 से 66 मिलियन वर्ष पहले क्रेटेशियस काल के अंत में रहता था और ये मुख्य रूप से मांसाहारी था और बड़े बड़े डायनासोर का शिकार करता था। इसके जबड़े की ताकत इतनी थी कि ये आसानी से हड्डियों को चटका सकता था। इसके दांत लगभग 12 इंच और 30 सेमीमीटर लंबे होते थे और वे नुकीले और बेहद मजबूत थे, जो इसे शिकार के लिए बेहद खतरनाक बनाते थे। नंबर 2, मेगलोडॉन। दोस्तों, मेगलोडॉन प्राचीन विशालकाय शार्क थी जो लगभग 2.6 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गई थी। मेगलोडॉन का आकार लगभग 60 फीट और 18 मीटर तक होता था, जो आज की सबसे बड़ी शार्क वेल शार्क से 3 गुना बड़ा है। मेगलोडॉन के दांत 7 इंच और 18 सेमीमीटर तक लंबे होते थे। मेगलोडॉन की काटने की शक्ति अत्यधिक थी। इसकी जबड़े की ताकत आज के किसी भी जीवित जीव से कई गुना अधिक थी। मेगलोडॉन विश्व भर के गर्म समुद्री जल में पाया जाता था। इसके जीवाश्म अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के तटों पर पाए गए हैं। मेगलोडॉन मुख्य रूप से बड़ी मछलियों, व्हेल और समुद्री स्तनधारियों का शिकार करता था। मेगलोडॉन के विलुप्त होने का मुख्य कारण माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन और उसके शिकार की कमी। ये विशालकाय शार्क पृथ्वी के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे भयावह शिकारी जीवों में से एक थी। नंबर 3, स्पाइनोसोरस। दोस्तों, स्पाइनोसोरस एक विशाल मांसाहारी डायनासोर था जो क्रेटेशियस काल में लगभग 112 से 93 मिलियन वर्ष पहले रहता था। स्पाइनोसोरस की पीठ पर एक बड़ी रीढ़ होती थी। ये सबसे लंबा और सबसे भारी मांसाहारी डायनासोर था। इसकी लंबाई लगभग 50 से 60 फीट और वजन लगभग 7 से 20 टन तक हो सकता था। ये मांसाहारी था और मछलियां और अन्य डायनासोर इसका मुख्य आहार थे। स्पाइनोसोरस जल और थल दोनों में रहने वाला डायनासोर था, जो नदी, झील और समुद्री तटों के पास पाया जाता था। इसकी पहली हड्डियां 1912 में मिस्र में खोजी गई थी। नंबर 4, डायनोथेरियम। दोस्तों, डायनोथेरियम एक प्राचीन विशालकाय स्तनधारी था जो लगभग 23 मिलियन वर्ष पहले से लेकर 2.6 मिलियन वर्ष पहले तक जीवित था। ये हाथी का पूर्वज माना जाता है, लेकिन इसके दांत और शरीर की संरचना थोड़ी अलग थी। ये लगभग 4 मीटर ऊंचा और 12 टन वजन का था। इसके ऊपरी जबड़े में दांत नहीं थे, जबकि निचले जबड़े में लंबे मुड़े हुए दांत थे। ये प्राचीन जीव अफ्रीका, एशिया और यूरोप के घास के मैदानों और जंगलों में पाया जाता था। ये मुख्य रूप से शाकाहारी थे और बड़े पेड़ पौधों की पत्तियां और फल खाते थे। डायनोथेरियम की विलुप्ति के कारणों में पर्यावरण बदलाव और भोजन की कमी शामिल है। डायनोथेरियम के अवशेष की खोज वैज्ञानिकों के लिए एक प्राचीन जीव की जीवन शैली और विकास को समझने में मददगार रही है। नंबर 5, एंटेलोडॉन। दोस्तों, एंटेलोडॉन एक प्राचीन विलुप्त स्तनधारी था जो लगभग 37 से 28 मिलियन वर्ष पूर्व ईलोसीन और ओलिगोसीन युग के दौरान रहता था। इसे कभी कभी टेरापिक के नाम से भी जाना जाता है, हालांकि ये वास्तव में सुअर नहीं था। एंटेलोडॉन का शरीर बड़ा और मजबूत था और इसका सिर विशेष रूप से बड़ा था, जिसमें शक्तिशाली जबड़े और बड़े दांत थे। ये मांसाहारी और सर्वहारी दोनों प्रकार का भोजन करता था। एंटेलोडॉन के
अवशेष यूरोप और एशिया में पाए गए हैं। इसके शरीर की संरचना और जबड़ों की बनावट से ये अनुमान लगाया जाता है कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली शिकारी था। नंबर 6, एलसमुथेरियम। दोस्तों, एलसमुथेरियम एक विलुप्त जीन्स था जो बड़े गेंडे की तरह दिखता था और ये प्लेस्टोसीन युग में अस्तित्व में था। इसका मुख्य विशेषता इसके माथे पर स्थित एक बड़ा सींग था जो लगभग 2 मीटर लंबा हो सकता था। एलसमुथेरियम का शरीर बड़ा और भारी था और ये घास व पेड़ पौधों को खाता था। ये मध्य एशिया से पूर्वी यूरोप तक के क्षेत्रों में पाया जाता था। नंबर 7, थाइलासीन। दोस्तों, थाइलासीन जिसे तस्मानिया टाइगर या तस्मानिया वुल्फ भी कहा जाता है, ये एक मांसाहारी जानवर था जो तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाया जाता था। ये जानवर अपने शरीर पर धारीदार पैटर्न और कुत्ते जैसे सिर के लिए जाना जाता था। आखिरी ज्ञात थाइलासीन 1986 में तस्मानिया के हॉर्बर्ट चिड़ियाघर में मारा गया था। थाइलासीन की विशेषता उसके शरीर पर मौजूद धारीदार पैटर्न, लंबी पूंछ और कंगारू जैसी पाउच थी जिसमें मादा अपने बच्चे को रखती थी। थाइलासीन के विलुप्त होने के मुख्य कारणों में मानव शिकार, आवास की कमी और नई बीमारियां शामिल है। हाल के वर्षों में थाइलासीन को पुनर्जीवित करने के लिए जेनेटिक रिसर्च और क्लोनिंग के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है। नंबर 8, डोडो। दोस्तों, डोडो एक विलुप्त पंछी था जो मॉरिशस द्वीप पर पाया जाता था। ये पंछी उड़ान नहीं भर सकता था और इसकी ऊंचाई लगभग 3 फीट 1 मीटर तक होती थी। डोडो का वजन लगभग 10 से 18 किलोग्राम तक होता था। इसका मुख्य भोजन फल और बीज था। मनुष्यों के आगमन और उसके द्वारा लाए गए जानवरों जैसे कुत्ते, बिल्ली और सुअर के कारण डोडो की जनसंख्या तेजी से कम हो गई और 17वीं सदी के अंत तक ये विलुप्त हो गए। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 8 खतरनाक विलुप्त जानवर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा जानवर सबसे ज्यादा रोमांचक लगा। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।